पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र पिछले 3 दिनों से आंदोलनरत हैं। आंदोलन के इसी कड़ी में आंदोलनरत छात्र शनिवार को मौन धारण करते हुए मुंह पर काली पट्टी बांधकर गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर का विरोध स्वरूप भ्रमण किया। छात्रों ने मुंह पर काली पट्टी बांध कर यह दर्शाया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन किसी भी छात्र का कोई भी समस्या या मांग सुनने वाला नहीं है। इसी उद्देश्य के तहत छात्रों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण किया। विरोध स्वरूप विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण करने के बाद छात्र गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के गेट के पास पहुंचे, जहां वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए आलोक सिंह ने कहा, जैसा कि कुछ दिनों से आप देख रहे हैं हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आज 3रा दिन है, किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रहा है। लोकतंत्र की सरासर हत्या हो रही है गोरखपुर विश्वविद्यालय में। छात्र संघ चुनाव नहीं कराया जा रहा है। हम संघ की बस यही मांग है कि छात्र संघ चुनाव को जो डेट है वह अति शीघ्र घोषित किया जाए। जो इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमारी बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है, हमारी नेतृत्व करने की आज़ादी छीनी जा रही है, हमारे हर प्रकार की आज़ादी का हनन हो रहा है, उसी का नेतृत्व के रूप में, उसी को दिखाने के रूप में हम लोगों ने काली पट्टी मुँह पर बांध कर जिस तरह हम लोग को बोलने एक छात्र की जो आवाज़ थे हम उस आवाज़ को दबाई जा रही है। इसलिए हम लोगों ने दिखाया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक छात्र और छात्र नेता का क्या असली रूप बन गया है। उसी को दिखाने के लिए हम लोगों ने अपने मुंह पर काली पट्टी बांध कर पूरे विश्वविद्यालय का छात्र छात्राओं के साथ सैकड़ों की संख्या में भ्रमण किया गया है। कब तक जारी रहेगा ये आप लोगों का? यह अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक गोरखपुर विश्वविद्यालय इस पर अपना स्पष्ट रुख नहीं बताता है, चुनाव की तिथि घोषित नहीं करता है, तब तक हमारा यह धरना ऐसे ही जारी रहेगा।